सो गाइज आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की लाइव क्लास के अंदर। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो देखो, अभी हमने लास्ट टाइम पे स्लैब का रिइंफोर्समेंट किया था, तो जो हमने किया था प्रोजेक्ट के हिसाब से वो किस किस को क्लियर हो गया है या किसी को अभी भी डाउट है उसमें? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? जितना अब तक हमने किया है उसमें कोई डाउट है? स्लैब का कल रह गया था प्रोजेक्ट भी हम कर रहे थे, उसमें भी बीच में मिस हो गई थी क्लास। विवेक आपको समझ में आ गया जितना हमने किया उतना क्लियर है आपका अब तक? जी सर, क्लियर सर। तो आगे के टॉपिक करें फिर हम अब। जी सर, ठीक है चलो, तो अब हम जो है एक बारी जो है हम क्या करते हैं, हम लोग बिलिंग पे चलते हैं। बिलिंग को कैसे करना है, ठीक है, बिलिंग पार्ट पे चलते हैं। बिलिंग को हमें कैसे करना है उस चीज को देख लेते हैं। तो एक मेरे को बताओ कि एक बिल के अंदर ना, एक बिल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? चलो उससे पहले एक काम करते हैं, रेट एनालिसिस कर देते हैं। रेट एनालिसिस को शुरू करते हैं, रेट एनालिसिस पहले डिस्कस करते हैं फिर बिलिंग पे जाएंगे, ठीक है। रेट एनालिसिस जब हम करते हैं, कोई भी रेट ड्राइव करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कोई भी जो आप रेट बनाते हो ना उसमें क्या क्या चाहिए होता है बताओ यार। हाँ जी, बिल सबमिशन लेटर मटेरियल, लगेगा सर, इसमें जीएमआर सीट वगैरह रहेगी सर, टेन से M25 तक का मैनुअल। हाँ ये जो है ये मैनुअल ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। मैनुअल मतलब इनको हैंड मिक्स भी कहते हैं, हैंड मिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें जो है M25 को मैनुअल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें सीमेंट का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके जो हम आरएमसी में जाते हैं ना, तो आरएमसी में है और हैंड मिक्स कंक्रीट में डिफरेंस क्या होता है? आरएमसी में और हैंड मिक्स में डिफरेंस क्या होता है? जो सर हैंड में सीमेंट का जो कॉस्ट है, कंक्रीट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा क्योंकि फ्लाई ऐश मिलता है 4-5 रुपए किलो और सीमेंट मिल रहा है वहीं पे 20-22 रुपए किलो। तो जब आप फ्लाई ऐश को ऐड करोगे तो सीमेंट कंजप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आपका कंक्रीट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, फ्लाई ऐश को एड ऑन करना मिक्स शुरू कर दिया, किसमें, कंक्रीट के केस में, ठीक। तो जब आप फ्लाई ऐश को यूज कर, अब हैंड मिक्स वाले केस में तो फ्लाई ऐश यूज नहीं होता है, इसको हम आरएमसी में ही प्रिपेयर करते हैं क्योंकि आपने देखा कैसे निकालेंगे इसकी 1-4-8 की। सर सबको ऐड कर देंगे, 481 को ऐड कर देंगे, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, फिर वन से क्यों वहां डिवाइड टू कर पॉइंट फाइव देंगे, से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, वन से क्यों डिवाइड कर देंगे? वंस वन पार्ट ऑफ सीमेंट है इसलिए। है वन पार्ट ऑफ सीमेंट है, बट आपको एक चीज पता है, आप ये इसलिए जानते हो 1 क्यूबिक मीटर ड्राई, ये वेट कंक्रीट इक्वल टू, हाँ जी, एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है? पॉइंट जीरो जीरो नाइन थ्री पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो थ्री नाइन थ्री फाइव फोर फाइव है, 0.0395 kg जो वॉल्यूम होता है आपका 1 क्यूबिक मीटर का, ठीक है, समझ रहे हो, 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो बैग्स में मतलब हमें इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या करना होगा, 28.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? बैग्स में कन्वर्ट कर दो इसको, कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इंटू 28.8, तो मतलब कि 2.772 2.772 क्या आया ये आपका, इतने बैग्स आपके क्या आए 1 क्यूबिक मीटर में, ठीक है। क्या हुआ ये, इतने बैग्स आपके आए 1 क्यूबिक मीटर में। अब हम सैंड का निकालेंगे, तो सैंड के लिए क्या करना होगा, अगर हमें सीमेंट निकल गया सैंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सैंड के लिए क्या करेंगे भाई, जो ये 1.54 है ना सीमेंट का, सैंड का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर, सैंड का कोफिशियंट क्या है हमारा, 5, 5 से डिवाइड कर दो, फाइव 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 इसको देख लो, अगर कुछ पूछने तो पूछ लो,
हो जाएगा हो जाएगा ना। तो इसको आप लोग करो, यस। और इसको करने के बाद इसको 1:2:4 का जो है अपने से सॉल्व करके सीमेंट निकाल लो, सैंड निकाल लो और एग्रीगेट निकाल लो। निकाल के रखो, मैं जब तक लिंक भेज रहा हूँ आपको। सर ड्राई डेंसिटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं होगा सर, क्वांटिटी निकल जाएगा। हाँ, तो ड्राई डेंसिटी से किया तो है हमने, ड्राई 1.54 से नहीं किया है सर तो तो जैसे सर सीमेंट का डेंसिटी 1440 होता है ना केजी पर मीटर, हाँ। उसी तरह से सैंड का तो हाँ कुछ तो होता सर, इसका डेंसिटी थोड़ा बतला देते सर कंक्रीट का। मैंने पढ़ा था सर 1300 से 1700 के बीच में दिया जाता है सर। अरे भाई इतना वेरिएशन थोड़ी ना करोगे, 1300 से 1700 बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा आपका? देखो सैंड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सैंड कितना है? नहीं नहीं चौदह सर सौ सैंड चालीस का नहीं सर तो कंक्रीट का देखो बोल रहे हैं। डेंसिटी जो है आपका, डेंसिटी ऑफ ड्राई सैंड कितना है? 1600 है, ठीक है? डेंसिटी ऑफ ड्राई सैंड 1600 है, और एग्रीगेट का क्या है? एग्रीगेट डेंसिटी आपका कितना? एक सेकंड, एग्रीगेट डेंसिटी जो है इसका जो है आपका 1600, एग्रीगेट का 1600 है, ठीक है? और सैंड का कितना था हमारा? 1600 और 1500, हम लोग 1500 पकड़ के चलते हैं। हम लोग, मैंने बताया ना 1500, अभी मैं उस पर भी चेक कर रहा हूँ तो उसको दिखा रहा हूँ इंडस्ट्री में कि क्यों कर रहे हो, ठीक है? हाँ भाई राहुल, ठीक है सर, ठीक और कुछ? है सर, जी हाँ सर, ठीक पर है जो है सर, इसको करो, 1, 2, 4 वाले को नो करो, सर। 1, 2, 4 वाले को करो। मैं अभी लिंक भेजता हूँ।